वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्म भट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे कि धर्म के अनुसार धर्म की व्याख्या क्या है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने एक बार भगवान बुद्ध से ये प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, धर्म क्या है। उसके बाद भगवान बुद्ध ने उनको जो बताया था वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश के अंदर जो धर्म की व्याख्या है वो हर एक धर्म के अनुसार अलग अलग है, क्योंकि हमारे देश में जो विविधता देखने को मिलती है वो संसार के किसी भी देश के अंदर नहीं मिलती। और क्योंकि हमारे यहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीतिक रोटियाँ भी सेकी जाती हैं, इसलिए जो धर्म के अंदर जो विविधता है वो भी हमारे देश के अंदर बढ़ती गई है, क्योंकि हर एक धर्म के अंदर अलग अलग व्याख्या है धर्म की। कोई पंडित है, कोई पुजारी है, कोई मौलवी है, तो कोई पादरी है। हर एक लोग अपना धर्म जानते हैं या तो पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरों के धर्म की निंदा करने में माहिर होते हैं। लेकिन किसी भी ग्रंथ के अंदर, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, किसी भी ग्रंथ के अंदर दूसरे की धर्म की निंदा नहीं की हुई है, तो फिर लोग दूसरे को क्यों नीचा करते हैं उनके धर्म के बारे में याद दिलाकर कुछ भी। तो भगवान बुद्ध को एक बार उनके शिष्य ने यह पूछा कि हे भगवान, धर्म के अनुसार धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म क्या है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपने शिष्य से यह कहा कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है, चाहे फिर वो कोई भी हो। हमारे शास्त्र भी हमको यही सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करवाया, क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय था और उसका यह धर्म था। युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म होता है। एक तरीके से ये भी कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। हिंसा करना पाप है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो ये उन लोगों के रिगार्डिंग है जो लोगों को हिंसा करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप क्षत्रिय होते हैं, पहले के क्षत्रिय थे, जिन लोगों को हिंसा करनी पड़ती थी क्योंकि उनको अपने राज्य, अपनी प्रजा की सुरक्षा करनी होती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा था कि अर्जुन, आप युद्ध करें, क्योंकि यह अर्जुन का कर्तव्य था। तो अलग अलग अवतार धारण करके भी भगवान ने यह संदेश दिया हुआ है। ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मणों का कर्तव्य है समाज में ज्ञान का प्रसार करना, शास्त्रों का प्रसारण करना, शास्त्रों का फैलावा करना और समाज को एक अच्छी दिशा देना और समय आने पर धर्म की रक्षा करना और दया का पालन, ये सब ब्राह्मण के कर्तव्य है। तो पहले के समय में ऐसा होता था। तो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को ये बताया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का आडंबर ना करना, वही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।